हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है एलईडी ट्यूबलाइट का डाइवर्स सर्किट। मैं आपको इस वीडियो में एलईडी ट्यूबलाइट के डाइवर्स सर्किट के बारे में बताऊंगा और क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में बताऊंगा और उसको ठीक करके भी बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे एलईडी ट्यूबलाइट के ड्राइवर सर्किट आए हैं रिपेयर के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम थी, ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी। जो एलईडी लाइट ब्लिंक कर रहा था, तो देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस पीसीबी या ड्राइवर सर्किट में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी। देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट खराब है जिसके कारण यह ब्लिंक कर रहा था। तो सबसे पहले कैपेसिटर को चेक करते हैं। ये दोनों कैपेसिटर को चेक करते हैं, और नहीं तो लास्ट में आईसी खराब है जिसके कारण ब्लिंक करता है। और साथ ही साथ मल्टीमीटर से स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों कैपेसिटर को चेक कर लेता हूं। मैं आपको एक बार इस ड्राइवर सर्किट से इस एलईडी स्ट्रिप को एक बार चेक करवा देता हूं, उसके बाद रिपेयर करते हैं, देखते हैं कि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको चेक करके बताया तो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम कर रहा था, आप देख सकते हैं। आप इस पीसीबी को ठीक करते हैं, देखते हैं कि इस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है। हम इसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कि इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, फिर उसके बाद चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट में सेट करेंगे, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है इस एलईडी ट्यूबलाइट के ड्राइवर सर्किट में। मैंने मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट डीसी में सेट कर लिया है, उसके बाद मल्टीमीटर के प्रोब को ये बस लगाकर चेक करता हूँ। ये मैंने दोनों प्रोब को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। जो रेड वायर है वो प्लस का है, जो ब्लैक वायर है वो माइनस का है। अब स्विच को ऑन करके देखता हूँ। इसमें आपका आउटपुट वोल्टेज 80 के आसपास दिखा रहा है, 80 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है आउटपुट वोल्टेज। इस वायर को मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, जो कि प्लस और माइनस पॉइंट है। जो ब्लैक वायर है वो माइनस का है, जो रेड वायर है वो प्लस का है। इसमें मैं आपको जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। जो प्लस का वायर है वो रेड वायर है, जो माइनस का वायर है वो प्लस माइनस का है, ब्लैक वायर। इसको मैं अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने मेन सप्लाई को भी सोल्डरिंग कर लिया है, जहाँ से एसी सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल और लाइव, जिसको हम न्यूट्रल और फेज बोलते हैं। ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है, यहाँ से हम एसी सप्लाई देंगे, 230 वोल्ट एसी सप्लाई। उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके साथ में
एलईडी स्ट्रिप लगा के रखा हूँ, इसी में मैं अभी चेक करके बताऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं, आप इसको चेक करके देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि ये जल रहा कि नहीं जल रहा है। ये हमारा डाइवर सर्किट है एलईडी ट्यूबलाइट का। ये मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ, आप टेस्ट करके देखते हैं। ये अच्छा तरह से ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद।